पार्ट टू में हमें जो है नया जोन भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये अलग थे, इनसे अलग भी हाइब्रिड हमें देखने के लिए मिलने वाली है अगर पार्ट टू इसका आता है, मतलब सीजन टू आता है। ऑनजो एक ज़ोंबी है या ऑनजो एक क्योर है? क्योर का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑनजो जो है इस वायरस की दवाई है। अब इस पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं कि वेब सीरीज में ऐसी कौन सी वो हिडन डिटेल है जो हमें इन चीजों पर यकीन दिला देती है कि ऑनजो एक ज़ोंबी है या ज़ोंबी से ही बढ़कर कुछ है, और साथ में या ऑनजो एक वायरस की दवाई है, इस वाले वायरस की दवाई है जो कि ऑल ऑफ द डेड वाली सीरीज में हमारे इंसानी स्कूल में फैल रहा है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं हिडन डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी हिडन डिटेल है जो कि इन चीजों को प्रूव करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस वायरस के बारे में ही। जैसा आपको पता है कि इसमें दो तरीके के ज़ोंबी हमें देखने के लिए मिले हैं, एक फुल ज़ोंबी, एक मिलते हैं हमें हाइब्रिड वाले, मतलब जो आधे इंसान और आधे ज़ोंबी देखने के लिए मिलते हैं। अब आधे इंसान और आधे ज़ोंबियों में आप जो है नोटिस कर सकते हो कौन कौन से हमारे जो है यू इंसू गुम नाम। अब आप दोबारा मत कहने लगना कमेंट में कि हाँ जी उसका नाम यू इंसू नहीं गुम नाम है, यू इंसू उसका ओरिजिनल नाम था। और वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय उस वक्त मैं उसका ओरिजिनल नाम मतलब वो कैरेक्टर वाला नाम भूल गया था, अब मैंने उसको दोबारा याद किया है, गुम नाम। गुम नाम अभी पता नहीं सही बोला या नहीं बोला है, ठीक है। जैसे आप में सारे लोगों को पता होगा कि मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखता नहीं हूँ, मैं जो मेरे याद रहता है मैं उस चीज़ को डायरेक्टली बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज़ फेक देखने के लिए मिले। जो चीज़ एग्जैक्ट है उस चीज़ को वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुम नाम नाम रहा और किम चोल सू, अब किम चोल सू भी जहां तक ओरिजिनल नेम है मैं उसका वैसा वाला नाम भूल रहा हूं, देखो सीधी सी बात है, फिर बाद में मत कहना। तो ये जो है हमारे हाइब्रिड बन जाते हैं, मतलब आधे इंसान और आधे ज़ोंबी रहते हैं, यार एक तरह से आप इन्हें समझ सकते हो इन पे ज़ोंबी के वायरस का असर अब कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें अपने ओंजो की, क्या ओंजो भी इन कैरेक्टर में आती है, मतलब इसी तरीके से बन जाती है, वो हाइब्रिड है या ज़ोंबी से कुछ और है? तो हम अगर नोटिस करें तो हम नोटिस करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग वाला स्कूल का सीन, तब जो है मिस्टर ली जो है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक स्टूडेंट पे, वो स्टूडेंट जब वहां से भाग जाती है जाके बताती है कि मेरे पे मिस्टर ली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसके बाद में जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल नहीं स्कूल वाली डॉक्टर मैम के पास लेके जाते हैं उसका इलाज कराने, तो वहां अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो जो लेडी कह रहा हूं वो जो स्टूडेंट होती है वो ओंजो को काट लेती है। लेकिन उस वक्त हमें वो चीज दिखाई नहीं जाती है, लेकिन हम वो चीज वहां पर फील कर सकते हैं कि उसे कुछ ना कुछ तो वहां पर हुआ था। लेकिन अब यहीं पर दूसरा पॉइंट निकल के ये आता है कि अगर उसे वो काट लिया तो वो ज़ोंबी क्यों नहीं बनी। अब इसका एक सिम्टम और निकल के आएगा अगर आपने नोटिस किया होगा, कैफेटेरिया वाला जहां पर जो बच्चे जो है लंच वगैरह करते हैं, स्टूडेंट जो लंच करते हैं, तो वो अगर सीन देखा होगा जब वहां पर ज़ोंबी का अटैक होता है, तो आपने नोटिस किया होगा जब गेट से बहुत सारे ज़ोंबी आते हैं उनमें से एक ज़ोंबी ओंजो के ऊपर आ जाता है और वो उसके ऊपर आकर उसे सूंघने लगता है, लेकिन काटता नहीं है और काफी देर तक रुकता है। उसके बाद में जो हमारा चोंगसान वो उसे हटा देता है जैसे भी करके। लेकिन अगर आपने उस चीज को नोटिस किया होगा बहुत ही बारीकी तरीके से, तो वो एक तरह से अगर नोटिस किया जाए तो उसके अंदर वायरस जो है चला जाता है, जिस वजह से वो ज़ोंबी उसे नहीं काटता है। अब यही वाला पॉइंट जो है हमारा उस चूहे वाली थ्योरी पर भी काम कर सकता है अगर देखा जाए तो। अब चूहे वाली थ्योरी पर कैसे काम करेगा, जैसे मैंने आपको पहले वाली थ्योरी में बताया था कि चूहा जो था जब वो ड्रोन लेने जाते हैं कैबिन में कि हम चोंगसान को ढूंढने जाएंगे, तो उस वक्त अगर आपने नोटिस किया होगा तो सॉक्स पे खून लगा हुआ होता है। अगर हमने उस टाइम जो नोटिस किया था कि वो ब्लड हो सकता है ज़ोंबी का, लेकिन अब एक और चांस बढ़ जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ओंजो जो है वो खुद ही पूरी तरीके से एक ज़ोंबी हो, लेकिन वो नामरा किम चोलसू और गुम नाम यू इंसू जो वैसा वाला नाम गुम नाम उनसे बेटर वाली है, मतलब एक तरह से वो क्योर हो सकती है, वो इस वायरस की दवाई हो सकती है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ ओंजो जो है वो इस वायरस की दवाई हो सकती है, क्योंकि बाकी सारे तो जो है अलग तरीके के ज़ोंबी बन गए थे, कुछ आधे रह गए और कुछ पूरे तरीके से ज़ोंबी बन गए। और हाँ, एक चीज और बताने वाला हूँ कि इसमें हमें जो है नए तरीके के ज़ोंबी भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। पार्ट टू में हमें जो है नया ज़ोंबी देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये अलग थे, इनसे अलग भी हाइब्रिड हमें देखने के लिए मिलने वाली है अगर पार्ट टू इसका आता है, मतलब सीजन टू आता है। अगर आपने नोटिस किया होगा एंड वाला ये वाला सीन जब यहाँ पे ये लड़की जो है इसे छोड़ के भाग जाती है और उसके बाद में ये पानी में गिर जाती है और उसे वहाँ पे ज़ोंबी काट लेते हैं, अगर आपने वहाँ नोटिस किया होगा तो वो वाली जो ज़ोंबी बनती है वो दरअसल अलग तरीके की बनती है। उसके जो है चेहरे पे पिंपल्स निकल जाते हैं, फोड़े निकल जाते हैं, मतलब एक तरह से दाने से निकल जाते हैं, जो भी आप उसे कह सकते हो। हम इन चीज़ों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अब और भी नई तरीके की ज़ोंबी देखने के लिए मिलने वाले हैं इस सीरीज में। और आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये वो मेरा बस एक वहम है या नहीं, और आप बताना ओंजो के बारे में, क्या ओंजो इस जो है सीरीज की क्योर होने वाली है या नहीं। और अगर आपने जो है अभी तक वो नहीं देखी मेरी वीडियो कि ये तीन ज़ोंबी क्यों नहीं बने, तुम्हारा किम चोलसू, नामरा और गुम नाम, तो आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हो क्या चोंगसान जिंदा है या नहीं, तो उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो। और बाकी आप अगर ऑल ऑफ अ डैड की हिडन डिटेल्स जानना चाहते हो जो काफी सारे लोगों ने टोटली मिस कर रखी है, तो आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो। मैंने इन तीनों चीज़ों पर वीडियो बना रखी है, आपके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप मेरे चैनल पर विजिट करके जो है डायरेक्ट भी देख सकते हो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो तो पसंद आई होगी और जो मैंने ये पॉइंट बताया शायद आप उससे राजी हो। अगर भाई चंद राजी नहीं हो तो सीधी सी बात है, थ्योरी है यार, ये सभी ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अगर ये भाई चंद गलत निकलते तो गलत निकल जाती है, थ्योरी है, अभी कौन सा किसी को पता थोड़ी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लेना, ताकि बाबू सुना जादू टोना का मैसेज पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। बाकी करते हैं वीडियो एंड, आप रखना अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।